हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन EIFT यूट्यूब क्लासेस एंड योर सब्जेक्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन बैरियर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को ऑब्स्टेकल बनाते हैं, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को आपका डिफिकल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात करते हैं तो आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स आपके एनीथिंग कुछ भी आपके हो सकते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं जो हमारा मैसेज होता है उसे अंडरस्टूड करने में, ठीक है। कि हम जो भी कम्युनिकेशन आपस में करते हैं, ठीक है, हम जो भी मैसेज आपस में ट्रांसमिट करते हैं तो जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें उस मैसेज को एक इफेक्टिव वे में या आप कहो कि एक एफिशिएंट वे में हम उस मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसे अंडरस्टूड नहीं कर पाते ड्यू टू द कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो बेसिकली क्या होते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स, जो कि ऑब्स्टेकल्स होती हैं और डिफिकल्टीज होती हैं जो कि क्या होते हैं हमारे एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो डिफिकल्टीज आपकी क्रिएट करते हैं, उससे हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो सही से नहीं रन होने देते, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली क्या होता है, ये आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, ठीक है। जब हम कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात करते हैं तो आपके 5 टाइप्स के कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, जिसमें पहला आपका टाइप है सिमेंटिक बैरियर, सेकंड है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, थर्ड वन है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, फोर्थ वन है आपका पर्सनल बैरियर्स और लास्ट वन है आपका मैकेनिकल बैरियर्स, ठीक है। तो हम अब इसमें जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स। नॉर्मली जो आपके सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स को हम लैंग्वेज बैरियर्स भी कहते हैं, कि जहां पर हमारा जो बैरियर्स या जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिफिकल्टी क्रिएट होती है ड्यू टू द लैंग्वेज, ठीक है। जब लैंग्वेज की वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं इफेक्टिव वे में नहीं चलता है तो हम उन बैरियर्स को क्या कहेंगे, उन बैरियर्स को हम लैंग्वेज बैरियर्स कहेंगे। जैसे कि आपका इसमें क्या हो सकता है कि आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड आपने यूज कर लिए, दूसरा आपने क्या किया कि जो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, सपोज करो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश मैसेज कन्वे कर रहा हूँ लेकिन जो सामने वाला है वो इंग्लिश टू इंग्लिश जो मैसेज कन्वे हो रहा है उसे वो अंडरस्टूड यहाँ पर नहीं कर पा रहा है या वो उस मैसेज को आपके समझ नहीं पा रहा है। तो बेसिकली जो सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं वो आपकी लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं या एक तरीके से कहो सिंबल बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। अब जब हम सिमेंटिक बैरियर्स की बात करते हैं तो उसके कुछ आपके टाइप्स होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स कि किन किन वजह से हमारा या क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सिमेंटिक बैरियर्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज। पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज का मतलब क्या है कि जब हम मैसेज चाहे ओरल कम्युनिकेशन से मैसेज दे रहे हो, चाहे हम रिटन कम्युनिकेशन से उस मैसेज को दे रहे हो, और जब वो मैसेज क्लियरली डिफाइन नहीं होता, जब वो मैसेज आपका क्लियरली हमसे डिफाइन नहीं कर पाते तो उस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ मैसेज हमारे कम्युनिकेशन के अंदर जो है आपके बैरियर्स क्रिएट होते हैं, हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कहीं ना कहीं वहां पर अफेक्ट होके चलता है। सेकंड है इसी के अंदर आपका फॉल्टी ट्रांसमिशन। फॉल्टी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि हम मैसेज को सही से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैसेज को सही से ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं कि सपोज करो मैं आपको लेक्चर मेथड के थ्रू आपके साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ लेक्चर मेथड के थ्रू कम्युनिकेशन तो कर रहा हूँ बट मैं आपको सही से मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको सही से मैसेज नहीं समझा पा रहा हूँ। उसमें रीजन कुछ भी हो सकता है, हो सकता है मेरी वॉइस क्लियर ना हो, मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है वहां पर सही ना हो, या मैं उस दूसरी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ कि जिसे समझने में आपको कहीं ना कहीं कोई डिफिकल्टी होती है या जिसे समझने में आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है। तो ड्यू टू द फॉल्टी ट्रांसमिशन, ड्यू टू द फॉल्टी ट्रांसमिशन हमारे प्रोसेस के अंदर आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स आपके आ सकते हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ क्लैरिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब क्या है कि जो भी मैं मैसेज आपके सामने आपको मैसेज दे रहा हूँ, जो आपके सेंडर है, जो आपका रिसीवर है, जब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है तो वहां पर क्या हुआ है कि लैक ऑफ क्लैरिटी, मैसेज क्लियरली नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, मैसेज सही से समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? ड्यू टू द सिमेंटिक बैरियर। कि मैं कुछ लैंग्वेज, कुछ ऐसे वर्ड यूज वहां पर यूज करता हूँ, कुछ टेक्निकल वर्ड वहां पर यूज करता हूँ, या कुछ आपके सिनोनियम्स मैं वहां पर यूज करता हूँ कि जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो। तो इसलिए ये जो आपकी ऑब्स्टेकल्स होती है या जो आपका बैरियर क्रिएट होता है वो ड्यू टू द लैक ऑफ क्लैरिटी की आपका बैरियर क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद है आपकी, जैसे हमने बात करी थी टेक्निकल लैंग्वेज, लास्ट उसमें क्या होता है कि जो सिमेंटिक या लैंग्वेज बैरियर होता है वो ड्यू टू द टेक्निकल लैंग्वेज भी आपका क्रिएट होता है। कैसे होता है कि भाई मैं कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला क्या है ना तो उस टेक्निकल लैंग्वेज को समझ पा रहा है और ना ही उन टेक्निकल वर्ड्स को वो अंडरस्टूड कर पा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो आपस में कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं वहां पर आपका एक बैरियर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द सिमेंटिक या ड्यू टू द लैंग्वेज। तो ये आपका फर्स्ट टाइप के बैरियर हो गए जिसे आप सिमेंटिक बैरियर कहते हैं, ठीक है। सेकंड जब हम बात करेंगे, सेकंड होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स बेसिकली विच इज रिलेटेड टू द माइंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर किससे रिलेटेड होता है, वो आपके माइंड से रिलेटेड होता है साइकोलॉजी से, वो रिसीवर के केस में भी होता है और आपके सेंडर के केस में भी होता है। कि हो सकता है कि सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है लेकिन जो सामने वाला बैठा है वो मैसेज को ड्यू टू द, हो सकता है एटीट्यूडनल प्रॉब्लम हो सकती है, उसका परसेप्शन अलग हो सकता है चीजों को देखने का या चीजों को समझने का या उन्हें अंडरस्टूड करने का उसका परसेप्शन अलग हो सकता है, या उसकी कुछ ऐसी हैबिट या नेचर हो कि जिससे कि क्या वो लगातार वहां पर ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, ठीक है। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल बैरियर टोटली आपके रिलेट होते हैं आपके माइंड कैपेसिटी से, कि आप चीजों को किस तरीके समझते हो या सेंटर किस तरीके से आपको वहां पर सारी चीजों को बताता है, कि वो ज्यादा इमोशनल हो जाता है या सेंटर आपका कुछ ज्यादा हार्ड एटीट्यूड वहां पर यूज करता है, तो उसकी वजह से जो बैरियर्स आपके क्रिएट होते हैं उन बैरियर्स को आप क्या कहोगे, उन्हें आप साइकोलॉजिकल बैरियर्स आपने कहोगे। अब इसी तरह हम जब साइकोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं तो इनका भी कुछ आपके टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है कि प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या, कि जब सेंडर होता है कोई भी रिसीवर होता है कि वो बिना इवैल्यूएट करे ही चीजों को उनका रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, कि भाई प्री मैच्योर का मतलब क्या है कि अभी आपने चीजों को सही से नहीं समझा बट आप उसका आंसरिंग वहां पर कर रहे हो या आप उसका मीनिंग आप वहां पर निकालते हो, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर बैरियर्स क्रिएट होंगे। क्या होंगे, उसकी वजह से बैरियर्स क्रिएट होंगे। तो ड्यू टू द प्री मैच्योर इवैल्यूएशन भी आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है वो आपके क्रिएट वहां पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनएडिक्वेट अटेंशन। इनएडिक्वेट अटेंशन का मतलब क्या है कि जब सेंडर मैसेज दे रहा है, या सपोज करो मैं आपको लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आपको लेक्चर मेथड के थ्रू सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपका प्रॉपर अटेंशन मेरे मैसेज के ऊपर नहीं है। यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन क्लास बट यू आर नॉट प्रेजेंट मेंटली इन द क्लास। आप फिजिकली क्लास में प्रेजेंट हो लेकिन आप मेंटली क्लास के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं हो, तो उस केस में भी क्या होगा कि इनएडिक्वेट अटेंशन, आपका फोकस ही नहीं है मैसेज के ऊपर जो मैसेज मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में भी आपकी क्या हो सकती है, वहां पर बैरियर्स आपके क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहते हैं कि ड्यू टू द इनएडिक्वेट अटेंशन भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर वहां पर क्रिएट हो सकता है। इसके बाद है ट्रांसमिशन लॉसेस एंड पुअर रिटेंशन। इसमें क्या होता है कि बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी पुअर रिटेंशन होती है, कमजोर याददाश्त होती है, अब
कैसे कि भाई मैं क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मैं सेम आपको सबको पढ़ा रहा हूँ, इक्वली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 20 में से 10 ऐसे होंगे कि जो चीजों को समझ लेंगे और 10 ऐसे होंगे कि जो उसने सही से नहीं समझ पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक फर्क पड़ता है, आईक्यू लेवल का फर्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं दूसरा कि उनका पुअर अटेंशन, पुअर उनकी मतलब चीजों को समझने की या उन्हें माइंड में रखने की जो उनकी कैपेसिटी होती है वो आपकी कम होती है, कि मैंने आपको इस चीज बताई है वो थोड़ी देर बाद उसे भूल जाते हैं। तो वो क्या होता है, ड्यू टू द पुअर अटेंशन भी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर वहां पर क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सेंटर बाय द रिसीवर, कि जब क्या होता है कि जो सामने वाला रिसीवर होता है उसे सेंटर की बातों पर ट्रस्ट नहीं होता, या सेंटर पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि सेंटर अपनी बातें बताएगा, अपना मैसेज वहां पर डिलीवर करेगा, सारी चीजों के बारे में बताएगा, लेकिन जो वो दूसरा वाला है, जो रिसीवर है, उसे ट्रस्ट नहीं है, तो वो चीजों को लाइट वहां पर लाइटली देता है, वो उन्हें सही से नहीं समझता है, तो उस वजह से भी आपका साइकोलॉजिकल बैरियर वहां पर क्रिएट होता है। उसके बाद आते हैं आपके फेलियर टू कम्युनिकेट। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, लेकिन मैं उन्हें कम्युनिकेट करने में फेलियर हूँ, मैं उन्हें बताने में फेल हूँ, मतलब कि मैं सही से कम्युनिकेट वहां पर नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से भी आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है वो आपके क्रिएट होते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं वो बेसिकली क्रिएट होते हैं ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस या वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के भाई क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या पॉलिसीज हैं, जब वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, आपके लिए वो सुटेबल नहीं होती, तो वहां पर कम्युनिकेशन बैरियर्स आपके क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात करेंगे तो सबसे पहला बैरियर है कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कुछ ऐसे रूल्स आपके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने ऊपर इम्पोज नहीं कराना चाहते हो। ठीक है, जिन रूल्स से कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो उस केस में आपका कम्युनिकेशन बैरियर वहां पर क्रिएट होता है। ठीक है, सेकंड है स्टेटस हायरार्की पोजीशन रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभी क्या कि जो हायरार्की एक पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई वर्टिकली भी होती है, हॉरिजॉन्टली भी होती है, वर्टिकली में सुपीरियर आपको चीजें बताएगा, ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शन देगा, और आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे से ऊपर इंस्ट्रक्शन दे दोगे, आप नीचे से ऊपर रिक्वेस्ट वहां पर दोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नीचे वाले हैं उस हायरार्की को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, उस हायरार्की को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स वहां पर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है या ऐसी कुछ चीजें आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, कि जिसकी वजह से वहां पर जो आपका सुपीरियर है और जो आपके सबोर्डिनेट्स हैं उनके बीच में आपका बैरियर क्रिएट हो रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद आपके नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके पर्सनल बैरियर्स। नेक्स्ट आपके बैरियर्स कौन से हैं, आपके पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, जो कि ना तो लैंग्वेज की वजह से क्रिएट होते, ना ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्रिएट होते, और ना ही साइकोलॉजिकली वो आपके अपने कारण जो है वो वहां पर क्रिएट होते हैं। पर्सनल बैरियर की अपने पर्सनली रीजन के कारण आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, आप सही से चीजों को नहीं बता पाते हो, या नहीं सही से चीजों को समझ पाते हो, तो वहां पर जो उसकी वजह से आपके बैरियर्स क्रिएट होते हैं उन्हें आप क्या कहोगे, उन्हें आप पर्सनल बैरियर्स कहोगे। अब पर्सनल बैरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर। जो आपका सुपीरियर होता है उसका एटीट्यूड क्या है, यदि वो नेगेटिवली एटीट्यूड करता है, जो उसके सबोर्डिनेट है उनसे सही से बात नहीं करता है,
या उन्हें सही से डील करके नहीं चलता है, उन्हें सही से कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तो ऑब्वियसली वहां पर बैरियर्स आपका क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसिस्टेंस ऑन फॉलोइंग प्रॉपर चैनल। जो आपका सुपीरियर है जो या जो आपके सबोर्डिनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर चैनल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कि कहीं पर किस चैनल की रिक्वायरमेंट है तो वो कुछ और यूज कर रहे हैं, कहीं पर किसी और चैनल की रिक्वायरमेंट है तो वो कुछ और चीजें वहां पर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं प्रॉपर चैनल वहां पर आपका यूज करके नहीं चलते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बैरियर्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबोर्डिनेट। बेसिकली क्या होते हैं, जो आपके वर्कर्स होते हैं या जो आपके सबोर्डिनेट होते हैं, जो आपके नीचे वाले लेवल में होते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें वो चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, वो आपसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि भाई हाँ ये चीज मेरे समझ में नहीं आने आई, आपने कहा ऐसे होना है ऐसे होना है ऐसे होना है, उन्होंने कह दी, उन्होंने कहा कि हाँ ये सारी चीजें हमारे समझ में आ गई, लेकिन एक्चुअली वो उस चीज को नहीं समझ पाते और आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ड्यू टू द उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका डाउन लेवल पर है। इसके बाद है प्री ऑक्यूपेशन ऑफ सुपीरियर। नेक्स्ट है इसमें आपका प्री ऑक्यूपेशन ऑफ सुपीरियर। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका सुपीरियर होता है, ठीक है, वो क्या करता है प्री ऑक्यूपेशन की बहुत सारी चीजों में या बहुत सारे तरीके से डिसीजन में वो दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करता और वो जरूरी नहीं समझता कि भाई मैं ये चीज इन्हें कम्युनिकेट करूं। अब आप उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बैरियर्स आपको क्रिएट होंगे। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आप कभी कभी आपके अंदर अवेयरनेस की कमी होती है, आप चीजों को लाइटली लेते हैं, आप क्या है केवल कि ठीक है काम करना है जाना है, लेकिन चीजों को आप सही से नहीं समझ पाते हो, तो उसकी वजह से भी आपके बैरियर क्रिएट होते हैं। हेजिटेशन टू कम्युनिकेट, मेनली ये प्रॉब्लम किसमें आती है, जो आपके सबोर्डिनेट्स होते हैं वो कम्युनिकेट करने में उनके वो हेजिटेशन के अंदर होती है, जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, लास्ट है इसमें जो कि आपका मैकेनिकल बैरियर्स है। जो मैकेनिकल बैरियर्स बेसिकली यदि हम बात करें तो ये ड्यू टू द नॉइस की वजह से भी हो सकते हैं मैकेनिकल बैरियर्स, या ड्यू टू द इनएडिक्वेट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी आपके मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे इनएडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, मुझे कोई मैसेज देना है, मैं सपोज कर माइक का यूज कर रहा हूँ, आप सब बैठे हो, लेकिन माइक से वॉइस आपकी क्लियरली नहीं जा पा रही है, मेरी वॉइस आप तक क्लियरली नहीं जा रही है, तो यहाँ पर बैरियर्स क्रिएट हुआ ड्यू टू द आपका एक तरीके से मैकेनिकल बैरियर्स। ठीक है, कि आपको वॉइस हो रही है या सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से आपका बैरियर क्रिएट होता है। दूसरा पुअर ऑफिस लेआउट। पुअर ऑफिस लेआउट क्या, कि प्रॉपरली आपका जो ऑफिस लेआउट वो सही से नहीं है, सही से चीजें एडजस्ट नहीं है और लोगों को वहां पर समझने में दिक्कतें आपकी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिटेक्टिव प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, एंड लास्ट है यूज ऑफ रॉन्ग मीडियम। जो भी आपका कम्युनिकेशन करने का प्रोसीजर है, ठीक है, वो सही नहीं है, और लास्ट वन आपका क्या है कि यूज ऑफ रॉन्ग मीडियम, आप कोई ना कोई गलत मीडियम यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, जहां पर माइक की जरूरत होनी चाहिए माइक यूज नहीं कर रहे, जहां पर कोई अदर किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है आप उसे वहां पर यूज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका मैकेनिकल बैरियर क्रिएट होते हैं। बेसिकली नॉइस डिस्टेंस की नॉइस है, डिस्टेंस पर आप ज्यादा हो, आप मैसेज नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपके बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन।